वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जबरास्तान। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं क्लास सिक्स तक आपके जो है प्राथमिक सूक्ष्म जीव विज्ञान तक के जो आपके टॉपिक है वहाँ तक के आपको MCQs डाल चुका हूँ। आज अपन जो बात करेंगे 7 क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको कीट विज्ञान के बारे में MCQs जितने भी बनते हैं वो सारे MCQs यहाँ पर दिखाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 7 टॉपिक के बारे में कीट विज्ञान, जिसमें आपके जो है जितने भी कीट है उनसे रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको सारे MCQs दिखाए जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्लास सिक्स है उसमें मैंने थंबनेल में जो है कीट विज्ञान लगा दिया था 6th क्लास में, बाय मिस्टेक वो लग गया था। अब वो जो थंबनेल है यहाँ पे आपको क्लास 7 में देखने को मिलेगी, और वो जो टॉपिक था आपका प्राथमिक सूक्ष्म जीव विज्ञान था 6 नंबर का जो क्लास था, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा उसमें थंबनेल जो है चेंज कर दूंगा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा थंबनेल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर क्वेश्चन अलग थे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो थंबनेल उठा करके इस टॉपिक पे लगा दी जाएगी और ये सेम हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया रोग किस प्रकार या किस मच्छर से होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके RRP 2019 के अंदर जो अभी हाल ही में एग्जाम लगा है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, उसमें ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, ठीक है। तो मलेरिया रोग जो है एनोफिलीज मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, मादा एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, जापानीज मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर से होता है। ये भी आपका जो है RRP 2019 में रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन, तो ये इसमें भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, रिप्ट वहल ज्वर किस से होता है। तो ये जो है आपके एडीज मच्छर से क्यूलेक्स मच्छर दोनों से होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किस मच्छर से होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रख लीजिए, कहीं पे भी आपके रिपीट हो सकता है। तो डेंगू ज्वर जो है आपके एडीज मच्छर से होता है, क्योंकि आपको पता हो बारिश के मौसम में डेंगू रोग फैलता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रैंकोफेशियन फाइलेरियासिस रोग किस से होता है। तो दोस्तों, ये आपको नेक्स्ट पेज में इसके ऑप्शन दिख जाएंगे, यहीं पर दिख रहे हैं। तो जो ब्रैंकोफेशियन फाइलेरियासिस रोग जो है आपके क्यूलेक्स मच्छर से होता है, कौन से मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर किस से होता है। तो ये भी आपके जो है क्यूलेक्स मच्छर से होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके अभी डिप्लोमा जो आप एग्जाम दे रहे हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल गवर्नमेंट की, जो 27 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और आपको जैसे कि पता होगा NCVT से जो ITI से आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपका MCQ टाइप में ही क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी कामगार है। और ये 2 डिप्लोमा बेस के भी एग्जाम लगेंगे, उनके लिए ही नहीं, आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो वहाँ पर भी आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन वीडियो को सभी कैंडिडेट जरूर देखें, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है, महामारी टाइपस रोग होता है। तो महामारी टाइपस रोग जो है आपके जू से होता है, RRP 2019 में आ चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 8वां क्वेश्चन है, फ्लेग रोग किस से होता है। तो फ्लेग रोग जो है आपके चूहे की फिशू से होता है, किससे होता है, चूहे की फिशू से, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण फाइलेरिया रोग किस संधिपात से होता है। तो ये आपके मेंसोनियम मच्छर से होता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंत्रजोर रोग किस से होता है। तो आंत्रजोर रोग जो है आपके मक्खी से होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं टाइफाइड। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हैजा रोग किस कारक से होता है। तो हैजा रोग जो है आपके वक्राणु कालरिया से होता है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पीत जोर रोग किस से होता है। तो पीत जोर रोग जो है आपके एडीज मच्छर से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन है आपका, चिकनगुनिया ज्वर किस मच्छर से होता है। तो चिकनगुनिया जो है आपका एडीज मच्छर से होता है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाइश्नूर फॉरेस्ट रोग किस से होता है। तो ये आपके चीचड़ से होता है, ठीक है,
ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपके जो है फिशू के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, खाद जोर रोग किससे फैलता है, तो ये जो है आपकी जू से फैलता है दोस्तों, किससे फैलता है, जू से फैलता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, आमाशय का जहर किससे कहते हैं, तो पेरिस ग्रीन को जो है आमाशय का जहर कहते हैं। दोस्तों आपका जो ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ मैक्सिमम जो है आपके 10 मिनट का होगा, 10 मिनट में आपको जो है 30 से 40-50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर करवा दिए जाते हैं। 10 मिनट आप दोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे नंबर आ सकें, तो मैं यही कहूँगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। 18वां क्वेश्चन जो है, आकाशीय फुहरा किसे कहा जाता है, तो पायरेथर्म को जो है आकाशीय फुहरा कहा जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, नसों का जहर किस कीटनाशी को कहते हैं, तो पायरेथर्म जो है उसको नसों का जहर कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, संपर्क विष किसे कहा जाता है, तो DDT जो होता है उसको संपर्क विष कहा जाता है। 21 क्वेश्चन है, अवशिष्ट छिड़काव किसे कहा जाता है, तो अवशिष्ट छिड़काव जो है DDT को कहा जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो मच्छर में जो है आपके 3 जोड़ी पैर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए जो है ये MCQ तैयार किए गए हैं, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर के उदर बेलनाकार होते हैं जिनमें कितने खंड होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके जो है 10 खंड होते हैं, ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है आपका, वयस्क मच्छर में कितने खंड गिने जा सकते हैं, तो वयस्क मच्छर में जो है आपके 8 खंड गिने जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 25वां क्वेश्चन है, रुके हुए सांप पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो ये जो है आपके एनोफिलीज मच्छर देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके 2017 के अंदर DSSB में आ चुका है ये क्वेश्चन 25 नंबर का, रुके हुए सांप पानी में कौन सा मच्छर अंडा देता है, तो एनोफिलीज मच्छर देता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर दीवार पर कोण बनाकर बैठता है, तो ये एनोफिलीज मच्छर जो है दीवार पर कोण बनाकर बैठता है, ये भी आपके DSSB 2017 में आ चुका है। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रात में मनुष्य को कौन सा मच्छर काटता है, तो रात में जो मनुष्य का है एनोफिलीज मच्छर काटता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर दीवार पर कोण बनाकर बैठता है, तो एनोफिलीज मच्छर जो है वो दीवार पर जो है कोण बनाकर बैठता है, ये आपके DSSB 2017 में आ चुका है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, रुके हुए गंदे पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो क्यूलेक्स मच्छर जो है रुके हुए गंदे पानी में अंडे देता है, ये भी आपका DSSB 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दीवार की परत के समांतर कोण बनाकर कौन सा मच्छर बैठता है, तो एडीज मच्छर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में जो पानी रहता है उसमें कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो इसमें आपके जो है मेंसोनिया मच्छर जो है अंडे देता है। यहाँ नोट करके आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, एडीज मच्छर को छोड़कर सभी मच्छर जो है रात में मनुष्यों को काटता है, एडीज मच्छर एकमात्र ऐसा है जो आपको दिन में काटता है, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दिन में कौन सा मच्छर काटता है, दिन में जो है एडीज मच्छर काटता है, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2017 यहाँ कवर कर रखा है आपके, ठीक है। 33 क्वेश्चन है, साफ पानी जैसे कुएं छत की टंकी पानी भरा बेसमेंट में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो इसमें आपका एनोफिलीज मच्छर अंडे देता है, ठीक है। साफ पानी जैसे कुएं छत की टंकी पानी भरा बेसमेंट में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो एनोफिलीज मच्छर देता है, ये आपके DSSB 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गंदे पानी जैसे खाई हौदी सेप्टिक टैंक गड्ढे वाला शौचघर अवरुद्ध नाली में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो इसमें आपके जो है क्यूलेक्स मच्छर अंडे देता है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन, नारियल की खोपड़ी टूटा मटका पेड़ का खोहा फेंका हुआ टायर मर्दमान आदि में जमा पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो इसमें आपके जो है एडीज मच्छर अंडे देता है, ठीक है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन है आपका, मादा मच्छर कितने सप्ताह तक जीवित रहती है, तो ये आपकी जो है 5 से 7 सप्ताह तक जीवित रहती है। चलता है नेक्स्ट पेज की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर की उड़ान किलोमीटर लगभग होती है, तो 3 से 15 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए 3 से 15 किलोमीटर।
38वां क्वेश्चन है, रोगवाहक मच्छर कम लगभग कितने किलोमीटर तक उड़ते हैं? तो ये आपके जो है 2 किलोमीटर तक उड़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मच्छर का डिंबक कितना मिलीमीटर लंबा होता है? तो आपके 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबा होता है। 40वां क्वेश्चन है, कितने दिनों में डिंबक प्यूपा में या टम्बलर में बदल जाता है? तो 4 से 10 दिनों के अंदर बदल जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, अंडे से मच्छर बनने में कितने दिन लगते हैं? तो 7 से 14 दिन। 42 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से मच्छर का जैविक नियंत्रण संभव नहीं है? तो एडीज मच्छर और मेंसोनिया मच्छर जो है इनका जैविक नियंत्रण संभव नहीं है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का शरीर कितने मिलीमीटर लंबा होता है? तो 6 से 7 मिलीमीटर लंबा होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, मक्खी का शरीर कितने भागों में बटा होता है? तो मक्खी का शरीर जो है आपके 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मक्खी में कितने जोड़ी एंटीना होता है? तो मक्खी में जो है 1 जोड़ी एंटीना होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, मक्खी में नर का शरीर कितने खंड में बटा होता है? तो 8 खंड में बटा होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, मक्खी में मादा का शरीर कितने खंड में बटा होता है? तो मक्खी में जो मादा होती है उसका शरीर जो है आपके 9 खंड में बटा होता है। 48 क्वेश्चन है, मादा मक्खी अर्ध सप्ताह के अंतराल में झुंड में कितने अंडे देती है? तो 100 से 150 अंडे। ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, मक्खी का जीवन चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा होता है? तो 12 दिनों के अंदर जो है मक्खी का जीवन चक्र जो है पूरा होता है। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, गर्म मौसम में मक्खी का जीवन चक्र 6 दिनों में पूरा होता है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, मरुभक्षी का कितने मिलीमीटर लंबा होता है? तो ये आपके जो है 2 मिलीमीटर लंबा होता है। 51वां क्वेश्चन है, मरुभक्षी का कितने सप्ताह तक जीवित रहती है? तो ये जो है आपके 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, मरुभक्षिका की उड़ने की सामान्य पहुंच है, तब मरुभक्षिका की जो उड़ने की सामान्य पहुंच है वह है 100 से 200 मीटर। 53 नंबर का क्वेश्चन है, मरुभक्षिका का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो 40 से 50 दिनों में। ठीक है। 54 क्वेश्चन है आपका, मरुभक्षिका से होने वाली बीमारियां नहीं है, तो मरुभक्षिका से जो है आंत्रजोर नहीं होती है, बाकी काला आजार, ठीक है, चिक्लेशो अल्सर, ट्रॉपिकल फोड़ा और नासो ओरल लेशमैनियासिस, ये सभी बीमारी जो है मरुभक्षिका से होती है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्सू कितने वर्षों तक जीवित रहता है? तो पिस्सू जो है आपके 2 वर्षों तक जीवित रहता है। 56 क्वेश्चन है, रक्त पीने के बाद पिस्सू कितने सेंटीमीटर तक उछलता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, रक्त नहीं पीने पर पिस्सू 15 सेंटीमीटर तक उड़ता है। ठीक है, देख लीजिए अंडरलाइन किया हुआ है। 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पिस्सू जब अंडे देता है कितने मिलीमीटर के होते हैं? तो ये आपके जो है 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्सू द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो पिस्सू के द्वारा ब्यूबोनिक प्लेग और एडेमिक टाइफस दोनों ही फैलती है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, जू कितने सप्ताह तक जीवित रहती है? तो जू जो है 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहती है। ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, मादा जू एक बार में कितने अंडे देती है? तो मादा जू जो है एक बार में 10 अंडे देती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है आपका, मादा जू अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितनी बार अंडे देती है? तो 30 बार अंडे देती है। 62 क्वेश्चन है, जू से कौन सी बीमारी होती है? तो जू से जो है आपकी संक्रामक टाइफस, खात जोर और इसमें आपका जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 63 क्वेश्चन है, सिर और शरीर की जीवों के नियंत्रण के लिए कौन सा लोशन प्रयोग में किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में 0.5% डिओडोराइड मेलेथियन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जीवों के नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है केलामाइन लोशन। 64 क्वेश्चन है, चीचड़ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो 2 से 5 वर्षों का।
66 क्वेश्चन है, चीचर से कौन सी बीमारी होती है, तो लकवा। 67 क्वेश्चन है, चीचर के नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे, तो इसमें मेलेथिन दे रखा है, लिंडेन दे रखा है, फेंसियल का स्प्रे दे रखा है, तो इसमें आपका ये सभी आ जाएगा या उपरोक्त सभी। 68 क्वेश्चन है, कुटकी या बरूथी में पैर होते हैं, तो चार जोड़ी छोटे पैर, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, मादा कुटकी कब तक जीवित रहती है, तो 4 से 5 सप्ताह। 17वां क्वेश्चन है, कुटकी से कौन सी बीमारी होती है, तो कुटकी से जो है खुजली होती है, ठीक है। खुजली के इलाज के लिए परमेथ्रिन ट्यूब उपयोग में ली जाती है, ठीक है। 71 क्वेश्चन है, खुजली होने पर इलाज में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी या ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% बेंजल बेंजल मिश्रण खुजली के स्थान पर लगाना, या 20% बेंजाइट और 5% मेंटल खुजली पर लगाना, या 5% सल्फर मलहम लगाना, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाजनाशी है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, ये सभी। 73 क्वेश्चन है, साइक्लॉप की लंबाई होती है, तो 1 मिलीमीटर। 74 क्वेश्चन है, साइक्लॉप का जीवन काल कितना होता है, तो 3 महीने। 75 क्वेश्चन है, साइक्लॉप का नियंत्रण किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा ये सभी या उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। 76 क्वेश्चन है, निम्न में से कृंतक है, तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी या यह सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूहा, गिलहरी, हिरन, मूसा, खरगोश। 77 क्वेश्चन है, काला चूहा कितना लंबा होता है, तो ये 18 सेंटीमीटर होता है। 78 क्वेश्चन है, चूहे की पूंछ की लंबाई होती है, तो 22 सेंटीमीटर। 79 क्वेश्चन है, मादा चूहे में कितनी स्तनीय ग्रंथि होती है, मादा चूहे में कितनी स्तनीय ग्रंथियां होती है, तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कितनी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है 5 से 6 स्तनीय ग्रंथि, बी ऑप्शन में दे रखा है 10 से 11 स्तनीय ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है 7 से 8 स्तनीय ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपका आंसर फिर मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, ओके। 80 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से चूहे का जीवन काल कितना होता है, तो 9 महीने। 81वां क्वेश्चन है, संरक्षित प्रयोगशाला में चूहा कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 3 से 5 वर्षों तक। 82 क्वेश्चन है, जन्म के कितने समय बाद चूहे की आंखें बंद जन्म के कितने समय बाद चूहे की आंखें काम करती है, तो ये है आपके 2 सप्ताह बाद, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, चूहे की गर्भावधि होती है, तो 3 सप्ताह की होती है, ठीक है। 83 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर 18 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें आपके काफी क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि पता नहीं इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके जो है रिपीट हो जाएं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। 84 क्वेश्चन है आपका, मादा चूहा एक वर्ष में कितनी बार बच्चे दे सकती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 3 बार। 85 क्वेश्चन है आपका, चूहा प्रतिदिन अपने वजन का कितने प्रतिशत खाना खाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 10%। 86 क्वेश्चन है, चूहा अपने निवास स्थान से कितनी दूरी का भ्रमण करता है, तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा 30 मीटर। 87 क्वेश्चन है आपका, पिस्सू से होने वाली बीमारियां, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये सभी। 88 क्वेश्चन है, मूसक से होने वाली बीमारियां हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, मनुष्य से, रिकेट्सिया, सियालपोकस और बेनिंग लिम्फोसाइटिक कार्यो मैनिजेटिस, ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों। 89 क्वेश्चन है, कृंतकनाशी है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ई, ये सभी, वारफेन, तामाफेरिल, ब्रोमोडियोलोन, क्लोरोफाइसिनोन और डाइसिफिनोन। 90 क्वेश्चन है, सबसे अच्छी समझी जाने वाली कृंतकनाशी है, तो जिंक फॉस्फाइड। 91 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से धुआं नहीं किया जाता है, तो जिंक फॉस्फाइड से नहीं किया जाता है, तो दोस्तों आपके जो है यहाँ पर मैंने
7 क्लास कंप्लीट करा दी है, जिसमें आपको कीट विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।